अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें आदरणीय अंग्रेज जी वन्दे गुरु पद दन्तमवांग मनुष्यगोचरं रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रं अप्रतर्क्यं त्रिपुरम् श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती ही विमल विलोचन ही के मिठी दोष दुख मती रजनी के गुरु स्वामी जी का अपने नाम लिया तो अद्भुत है गुरु परंपरा का सम्मान हमारे यहाँ ये अनाधिकाल से निगमागम परंपरा से ही चला चला आ रहा है जिसमें हम लोग ये प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा से लेके ओम नमो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशि नमो गुरुभ्य स्मरण करते हैं तब से उस गुरु परंपरा को और उस गुरु परंपरा को इसीलिए कि क्योंकि ये लोग मानव मात्र के लिए एक आलोक को आलोक की परंपरा को सत संप्रदाय के माध्यम से इन लोगों ने प्रज्वलित रखा है इसलिए जब ये बात कही जाती है कि अंधेरे में भी रोशनी आ गई तो अंधेरे में रोशनी ऐसे ही है कि वैश्विक जीवन के अंदर एक जैसा परिवेश चलता है उस परिवेश के अंदर एक संघर्ष है साधारण मनुष्य का भी है और बड़े लोगों का भी है विद्वानों का भी है उस संघर्ष के अंदर ये एक इन आचार्य इन विद्वानों का जो एक वचन है वो दिप्यमान जब होता है तो कुछ उसमें से रास्ता निकलता है तो ये मार्ग ढूंढने में हमें हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं तो आज मैं मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आचार्य उत्पल देव जी के इस जयंती उत्सव के ऊपर विशेष रूप से आप जैसे विद्वान लोग यहाँ एकत्रित हैं इसमें मुझे आप लोगों ने अवसर प्रदान किया तो उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कुछ बातें मैं जैसे समझ पाया हूँ तो मुझे आ, उस उस पर आ, कहने में थोड़ा सा ये रहेगा कि शास्त्र के साथ साथ जो लोक की परंपरा है इसका भी इन आचार्य लोगों ने ध्यान रखा है इसलिए बराबर ये लोग ये कहते रहे कि, कि जो लोक है उस लोक व्यवस्था के लिए ही शास्त्र का उद्गम हुआ है लोक के लिए ही शास्त्र की परंपरा और शब्द की परंपरा, गुरु परंपरा जो है ये उसमें प्रकाशित होती है तो उस दृष्टि से कश्मीर शैव शास्त्र का जब हम एक पुनर देखते हैं तो उसके अंदर हम जो ध्यान रखते हैं कि कश्मीर के अंदर एक बौद्ध प्रभाव के बहुत बढ़ते हुए उससे प्रभाव से स्थिति ऐसी बन गई थी कि लोक जीवन जो था वो अनास्था में जाने के लिए अनास्था में जाने के लिए तत्पर पांच छह सौ वर्ष का इतिहास ऐसा रहा समझो कनिष्क काल से लेकर पांच शत के पांचवी छठी सातवीं शताब्दी तक लगभग एक ऐसा पीरियड रहा जहा बौद्ध दृष्टि के कारण अथवा अन्य कई कारणों के कारण अनात्मवाद का प्रसार जो था वो अनात्मवाद अनात्मवाद के प्रसार का मतलब ये था कि कुछ भी स्थिर नहीं है सभी क्षणिक है सभी कुछ उसमें आ, अब वो क्षणिकता के लिए साधन आप कितने ही निकालिए लेकिन जब तक आस्था नहीं बनती है जब तक एक विश्वास नहीं बनता है जब तक ज्ञान के ऊपर ऐसा ज्ञान जिसके ऊपर हमारी आस्था दृढ़ हो ऐसा जब तक ज्ञान नहीं हमें उपलब्ध होता तब तक हमारी आस्था के अभाव में अनास्था जन्म लेने लगती है और अनास्था के विष के कारण लोक जीवन जो है वो मार्ग भ्रष्ट होने लगता है ये कश्मीर में कुछ ऐसा अद्भुत प्रयोग ये शताब्दी शा, शा, के लगभग जब कह रहे कुछ अद्भुत ये प्रयोग हुआ हमारे इसमें कश्मीर के अंदर और एक समय ऐसा रहा कि जब ये लोक परंपरा के अंदर ऐसा था कि उत्तर भारत से दक्षिण से लोग भी जब उपनयन संस्कार होता था तो कोई लोग पूछते थे कि तुम विद्या में वरेण्यता पर वरेण होने के लिए कहाँ जाना चाहोगे तो वो कहते थे कि हम कश्मीर शारदा देश न शारदा देश, देश को छोड़ करके कहाँ जाएंगे भाई वहां जाना चाहिए तो ये इन आचार्य लोगों की कृपा का परिणाम था इस परंपरा का जब हम अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः गुरु परंपरा में नाम जो है आचार्य उत्पल देव जी का उसमें श्रीकंठम वसुमंतम सोमानंदम तथोत्पल आचार्यम लक्ष्मण अभिनव गुप्तम वंदे श्री क्षेम परंपरा उसके बाद भी चलती है ले, लेकिन ये जो आचार्य हैं मुख्य रूप से काश्मीर अद्वै जो मुख्य प्र, 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 जैसे कहना चाहिए जिन्होंने पुनः प्रवर्तन भी किया फिर उसको समृद्ध भी किया और समृद्ध करने के साथ उसका लोक लोकोपयोगी स्वरूप लोगों के सामने उपस्थित किया आचार्यूपल जब हम चर्चा करते हैं तो मेरे सामने ऐसा आता है कि उनकी कोई जन्म कुंडली हमारे हाथ में तो नहीं है और हम उसमें केवल इतना मात्र ही जानते हैं कि वो उदयाकुर गुरु थे स्वयं उन्होंने जो लिखा है कि लोगों के लिए अनायास रूप से ये तत्व ज्ञान प्राप्त कराने के लिए लोक की दृष्टि से जनस्य जन शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए कि जनता के जन आम साधारण लोगों के लिए जनस्याप्यपकर ऐसी इच्छा से उन्होंने ये प्रति का प्रणयन किया तो वहां हम देखते हैं कि उनके वहां उन्होंने जिक्र किया है कि वे उदयाकर के पुत्र थे और उनके सहपाठी थे पद्मानंद और पुत्र का नाम आ उसमें विवाह कर करके ऐसा नाम आता है इससे ज्यादा ये लोग अपने बारे में लिखने में बड़ा संकोच करते थे ये पुरानी आचार्य परंपरा रही कि लोग कहते थे कि नहीं ये जो लोग बुद्धि जीविता है बुद्धि को ठीक ठीक से चलाने के लिए बड़ा आवश्यक है जिन लोगों से मेरा परिचय रहा वो लोग में ये परंपरा थी कि हमारा चित्र हमारी फोटो हमारे ज्यादा उपाधियों का जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्धि जो है वो बुद्धि का स्वभाव तो है कि बुद्धि जो है वो भूतार्थ पक्ष पातो ही ध्याम स्वभाव ध्याम स्वभाव ये आचार्य लोगों मानते थे कि बुद्धि जो है वो प्राय वो भूतार्थ पक्ष पातो ही वो यथार्थ की वो जाना चाहती है बुद्धि लेकिन अहंकार उसे जाने नहीं देता है अहंकार उसे जैसे चाहता है वैसे मुड़वा लेता है वैसा काम करवा लेता है इसलिए बुद्धि का वो जो गुण है भूतार्थ पक्षपात तो वह वहां से उठ करके फिर वो प्राचीन जो न्यायिक आदि आचार्य थे वो लोग भी प्रणाम करते थे तो वो भी कहते हैं कश्मीरी आचार्यों के स्वर में ही वो कहते हैं संविदे वही भगवती वस्तु पगमे न शरण संबित भगवती जो है वस्तु पगमे, उस यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए वही एकमात्र हम हमारा शरण स्थल है उसी की शरण में हम जाते हैं तो इसलिए वो आचार्य लोग जो थे अपने विषय में अधिक नहीं लिखते थे लेकिन उनका जो उनका जो उनका जो चैतन्य था उनकी जो चेतना थी वो जितना ही उनका वास्तविक स्वरूप था वही उनका परिचय था उन्होंने जो किया, वो स्वर्ण की परीक्षा इससे नहीं होती किस देश में कहां पैदा हुआ क्या हुआ स्वर्ण की परीक्षा जो है वो अग्नि में आप डाल दीजिए अगर वो प्रकाशित हो गया अग्नि के साथ और उद्दीप्त अगर होता है तो वो स्वर्ण जो है वो समझता है कि नहीं बहुत ही ये इसको क्या कहना चाहिए जिसे हम प्रयोग करते हैं शब्द का कि स्वर्ण जो है वो दग्धम दग्धम पुनरपि दग्धम कांचनम कांतवर्णम जितना जलाओ उतना ही वो और उज्जवल होकर निकलता है ऐसे ही इन महात्मा गुरुजनों की वाणी जो थी हम सोमानंद जी से अगर देखें तो प्रतिभिज्ञा दर्शन के क्षेत्र में जब उदय हुआ तो ये एक प्रसिद्धि है कि आचार्य सोमानंद के विषय में कहा जाता है कि तर्क का कर्ता कह ये क्योंकि दर्शन जो है वो तर्क के बगैर तो चलता नहीं है तो उस तर्क को उन्होंने सतर्क भी बनाया कि तर्क के माने सतर्क है ये ऐसे वितर्क वितंडा या और कुतर्क नहीं है तो लेकिन शास्त्र में करता के रूप में सोमानंद की प्रतिष्ठा हुई क्योंकि वहां जो भी अनास्थावादी दर्शन थे उनके साथ संघर्ष के अंदर आचार्य सोमानंद उन्होंने शिव दृष्टि के अंदर ऐसी स्थापना करने का प्रयास की था जो पहले संभवतः नहीं हुआ बुद्ध देव ने जो दर्शन लोगों को दिया उसमें था कि लोक बुद्ध के लिए भी लोकनाथ शब्द का प्रयोग हुआ है बौद्ध ग्रंथों के अंदर जी देशना लोकनाथा नाम वशानु का लोकनाथ करके उनका भी उनके लिए भी प्रयोग हुआ लेकिन वो था कि आप जो मानवता है जो मनुष्यता है मनुष्यता के सामने जो एक संकट है वो किसी ना किसी प्रकार से एक उस उस आनंद की ओर अग्रसर होना चाहती है लेकिन दुखों के कारण वो आनंद की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है उस आनंद की ओर अग्रसर होने के लिए वो जो चिंतन ने उपाय दिया वो दिया वासनाक्षय का दीपो यथा निर्मित अभ्युपाय नैवावनिम्गत चिंतना क्षम दिया जो है वो प्रज्वलित होता है वो स्नेह क्षया केवल शांतिम वो उसमें से तेल उसका सूख जाता है और वो वहीं पर उसका निर्वाण हो जाता है तो वो निर्वाण निर्वाण किसी किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल ने उस को अपनी वासनाओं को क्षय करके प्राप्त किया हो लेकिन वो एक परिसीमित ऐसी स्थिति थी जो एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति जो है वो जो उसको कर पाता सामान्यतः दर्शन वो आम आदमी का वासना क्षय की ओर अग्रसर होना आसान नहीं बात है ये बड़े बड़े आचार्य विद्वानों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि ये क्या मार्ग सरल मार्ग है क्या इसे मध्य मार्ग कहा जाए समस्त कठोरताओं का उपभोग करने के बाद जो मार्ग बताया तो वो मार्ग मध्यम मार्ग उसको कहा लेकिन वो स्वयं तो मध्यम मार्ग नहीं था चला उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दर्शन हमारे दमक भी आते हैं आचार्य शंकर एक सिद्धांत देते हैं उनका भी मत आता है और वो भी कहते हैं कि जिस संसार में जो दुख है ये माया और अविद्या का खेल है और माया और अविद्या के माने ऐसा ऐसा भी हम लोग सुनने लगे कि कुछ महात्मा लोग व्याख्या करते करते माया शब्द का अर्थ ऐसे भी करने लगे कि माँ या जो है ही नहीं उसका नाम है माया ये माया जो है अघटित 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 माया सी है असंभव को भी संभव बनाने वाली अब एक और आप अघटित घटना घटी भी मान रहे हैं और फिर माया वाली स्थिति में भी लाना चाह रहे हैं तो पॉपुलर बिलीफ लोगों के और विद्वानों की वाणी को मिल करके उसमें भी एक था कि पर ब्रह्म का स्वरूप जो था वो एक बहुत बड़ा स्टेप था बहुत बड़ा एक आचार्य शंकर का होना समस्त मैं समझता कि विश्व के के पटल ऊपर एक बहुत बड़ा आ, बहुत बड़ी घटना थी लेकिन उसमें भी ये था कि वो समय की सीमा थी या क्या था कि भाषियों के अंदर उन्होंने भी जो है वो उसमें स्थिति को ऐसा रखा कि ब्रह्म को लोकातीत उसमें लोकातीत स्थिति में ले गए कि मनुष्य के साथ उसका संबंध कैसे बने वो दिक्कत आ रही थी वो अद्वैत वेदांत के अंदर बहुत सारा परिष्कार करने का लोगों ने प्रयास किया कि ये इस प्रकार से है लेकिन वहां पर भी अस्वीकृति थी अस्वीकृति थी इस लोक की अस्वीकृति लोक माया मायाजन्य है अविद्याजन्य है अविद्या से ही सब उद्भूत हो रहा है सांख्य और योग आए तो सांख्य और योग ने भी एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था विच्छेद का कि प्रकृति पुरुष का विच्छेद जो है उसमें ये प्रकृति का परिणाम तो होता रहेगा ये बंद नहीं होगा आप ऐसा कीजिए कि आप उससे बाहर निकला जाए आप अपने आप को एक धारा में से निकाल करके अलग करके रख लीजिए तो कहते हैं कि महर्षि कपिल ने अपनी माता को देवहूति को उसका उपदेश किया सांख्य का लेकिन कठिनाई ये थी कि वो उदासीन पुरुष उदासीन पुरुष की जो कल्पना थी वो सामान्य लोग के सामान्य प्रतिभा वाले लोगों के पास पकड़ में आना बड़ा कठिन रास्ता था ऐसी स्थिति के अंदर जो सामने आई कि ये एक दर्शन हमारे आता है जो ये उपस्थापना देता है कि ये जिसे अविद्या या माया कह रहे हो अविद्या और माया ये भी शिव की ही ये भी शिव की ही कृति है ये शिव कृति ही है इसलिए इसको पहले स्वीकृत करो और ऐसा उसमें इस ढंग से स्वीकृत करो कि जिसमें आपकी संपूर्ण व्यक्तित्व का समावेश हो जाए और ये समावेश पहले आप करो शिवता के साथ और शिवता के साथ समावेश करने में आपको लगेगा जो जो कुछ भी जिसे हम कंचुक राग द्वेश तो सभी जो कुछ भी है विश्व का स्वरूप है इस स्वरूप को स्वीकृत करके पहले स्वीकृत करने के लिए शिवता की स्थिति में जाना चाहिए और वो शिवता की स्थिति में जाने के लिए आचार्य सोमानंद ने उस समस्त अनास्थाओं के उस समस्त अना, अनास्थाओं के परिप्रेक्ष के अंदर स्थापित जिस चीज की वो आत्मवाद चैतन्यम आत्मा इस सूत्र के आधार पर उन्होंने स्थापना की वो ये था कि आत्म तत्व ही एकमात्र ऐसा है वो अनात्म नहीं आत्म ही एक ऐसा तत्व है जिसका जो चैतन्य रूप है और उसका साक्षात्कार करने से बुद्धि का स्वरूप साक्षात्कार करने से हमारा हमारे दर्शन की वो सारी जो ग्रंथियां हैं हमारी वो जो ग्रंथियां हैं जिन जो हमारी शंका हैं, उनका उसमें समाधान हो सकता है तो सोमन जी जो थे उन्होंने बीज रूप में जो स्थापना की थी वो बीज रूप में क्यों हुई स्थापना है जो थी जिसमें अनिरुद्धेच्छा प्रसर है प्रसर त्रिक्रिय शिव वो शिव रूप में जो रूप खड़ा किया था, था उन्होंने वो स्वरूप इस ढंग से खड़ा किया था कि आत्मे भी सर्वभावेश आत्मा ही है स्वरण निर्वृत चित विभु जिसका स्वरण जो है ये स्वरण से उसका प्रत्यक्ष पता चल रहा है और जिसका प्रत्यक्ष पता चल रहा है लेकिन किंतु मोहवशादस्मिन लेकिन मोह के कारण जिसका हमें पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा इसमें अगर ये शक्तिपात से गुरु कृपा से या अन्य किसी भी मार्ग से अगर हम एक समावेश उसमें हमारे में आ जाता है हमारे भीतर एक ऐसी श्रद्धा का उदय हो जाता है आस्था का उदय हो जाता है तो उस मार्ग से चलना सरल हो जाएगा इसलिए लोग की सरलता का जिस दर्शन ने बहुत ध्यान रखा है ये महत्वपूर्ण बात है शेष दर्शन है लेकिन वो क्या करते गए हैं कि सरलता से कठोरता की ओर चले गए भाष्य पढ़े शायद सरल लेकिन शांक शांकर भाष्य पर भांति पढ़े तो और जटिल उसके आगे पढ़े तो और जटिल तो वो जटिलता का लोक उससे लोग के लिए वो सरलता जो चाहिए वो सरलता वहां नहीं थी यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त जैसा व्यक्ति जब ये कहता है ईश्वर प्रतिभिज्ञा जो उत्पल महाराज की ही कृति है उसी के ऊपर भाष्य करते हुए विमर्शनी के अंदर जब ये कहते हैं कि हमारे सिद्धांत में विमर्शो ही सर्वम सह भाई हमारा जो विमर्श है जरा वाक्यों की सरलता को भी देखे विमर्शो ही सर्वम सह हमारा जो विमर्श है ये सब कुछ सहन कर लेने वाला है ये पर होती ये दूसरों की अपना बना लेता है और आत्मान भी परी कर होती और अपने को भी ये परायों के साथ मिला लेता है अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं आत्मान भी परी कर और उभयम भी एक ही जहाँ द्वैत है द्वैत को भी एक ही करोती द्वैत को भी कितने लघु वाक्यों के अंदर उभयम अभी एक ही करोती और एक ही कृतम अभी और जो तो एक ही कृत है उसको भी न्यक भाव उसको भी फिर कहता है कि नहीं एक को भी हमने छोड़ा एक भी संख्या है हम संख्या भी क्यों ईश्वर एक है ये भी क्यों लगाए हम ईश्वर एक है ईश्वर को हम ऐसे ही रहने दें उसको एक कहने की बजाय अद्वैय पद के द्वारा इसलिए इस दर्शन शास्त्र का ईश्वराद्वय नाम पड़ा ईश्वराद्वय इस दृष्टि से पड़ा कि ये लोक की दृष्टि से इसमें उपासनाओं के लिए उपासना के लिए बहुत बड़ा एक पथ प्रशस्त कर दिया गया था इसलिए आचार्य उत्पल को अगर हम अपने केंद्र में रख करके विचार करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि आचार्य उत्पल एक और जो तत्व दर्शन है तत्व दर्शन की दृष्टि से वो छोटी छोटी पुस्तकें लिखते हैं अजड प्रमात्र सिद्धि अजड़ प्रमात्र सिद्धि में तर्क के माध्यम से ये कि प्रत्येक जीव जो है वो उसमें वो आत्म से युक्त है उसमें आत्म चैतन्य है प्रत्येक जीव जो है उसका चैतन्य चैतन्य रूप है और ईश्वर सिद्धि के अंदर वो ईश्वर की अद्वैता को सिद्ध करके और फिर संबंध सिद्धि के माध्यम से दोनों में उन रिलेशनशिप जो है कि दोनों का ईश्वरता का और शिवता का और जीव का शिव का आपस में रिलेशनशिप क्या है तो जीव ही शिव है ऐसा संबंध है इस प्रकार का तो वो ये छोटी छोटी सी पुस्तकें थी लेकिन जो उनका जिस ध्यान आकृष्ट किया लोगों की ओर उसमें उन्होंने जो ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका लिखी है ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका में उन्होंने अब उसका प्रारंभ का पद देखिए हालांकि उसको उन्होंने ईश्वर कारिका को चार भागों में विभाजित किया है अधिकार शब्द के माध्यम से प्रयोग किया है उन्होंने ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगमाधिकार और फिर चौथा जो है वो तत्वार्थ संग्रह अधिकार करके ऐसे उन्होंने छोटे छोटे अधिकारों में उसका विभाजन किया है लेकिन ये ईश्वर कारिका ही कश्मीर शैव दर्शन की जो जिसे कहना चाहिए मेरुदंड बनी है मेरुदंड कश्मीर शैविज्म का मेरुदंड निर्माण करने वाला हम जिसे कहें कि बीज जो था बीज की स्थिति सोमानंद की थी और बीज का जो अंकुरण था और अंकुरण जो था जब अंकुरित होता है बीज तो वो जमीन के अंदर की तरफ ही जाता है और ऊपर की तरफ भी जाता है इसलिए वहां पर ये ईश्वर प्रतिज्ञा के अंदर ये आया कि वो जो ईश्वरता है वो वो विश्वतीर्ण भी है और विश्वमय भी है वो भीतर की तरफ भी अंदर की तरफ भी वैसे ही उसका उन्मीलन और निमीलन दोनों ही अंकुर की तरह है इस तरह से उन्होंने उसके अंदर शुरू से ये कहा कथन चिदाध्य महेश्वर दास्यम जनस्य आप्य सरल भाषा के अंदर ये बात कह रहे हैं कथन चिदाध्य महेश्वर से और नहीं मारते पंडितों वाले बहुत बड़ी कि मैं हाँ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कथंत महेश्वर मुझे दास्य भाव प्राप्त हुआ है दास्य भाव प्राप्त हुआ है और धनस्या उपकार लेकिन जो लोक हैं उनका उपकार लोकोपकार ये बहुत बड़ा ज्ञान का वितरण करना ज्ञान को बांटना इसको लोग कहते थे एक ज्ञान यज्ञ है एक ज्ञान यज्ञ किस प्रकार से चलता है हुँ? तो समस्त संबत समेतु कथंजित महेश्वर दास्यम जनस्यापकार मिथ्यन समस्त संबत समवाप्ति हेतु फिर उसे स्पेसिफाई करते हैं समस्त संपत् अब संपत्थ यहां पर पैसा धन दौलत वाली बात नहीं है यह संपद जो है ये अभ्युदय निशेष की ओर ले जाने वाला है। समस्त संबत क्योंकि जो जो समस्त है शेव शास्त्र का की संपूर्णता का जो दर्शन है उस सम्पूर्णता की ओर ले जाने वाला जो उस हेतु जो प्रत्यभिज्ञा है समस्त संपद समी हेतु तत्प्रत्यभिज्ञा उपवादयामी मैं उस उप प्रतिविज्ञा दर्शन का उपादन करता हूं ये एक घोषणा है पहली जो प्रतिविज्ञा दर्शन को एक आकार देती है एक शक्ल देती है ये पहला, पहली जो मुक्त भाव से, मुक्त कंठ से जो घोषणा है जिसे तत्प्रतज्ञा उपाद और अगले उसमें कार्य के अंदर कह देते हैं कि ये ठीक है ये ईश्वरता को सिद्ध करना न करना या उसमें कर्तरी ज्ञात्री स्वात्म न्यादि सिद्धे महेश्वरे जो कर्ता रूप भी है अद्वैत वेदांत में कर्तृत्व तो बिल्कुल अस्वीकृत था कि ब्रह्म में कर्तृत्व तो नहीं है अब संपूर्ण निष्क्रियता के साथ समझना बहुत कठिन है क्योंकि मनुष्य तो क्रिया में ही जी रहा है तो संपूर्ण निष्क्रियता की कल्पना में आना जरा कठिन है बिना आचार्य के और वैसे तो यहां पर वो कहते हैं कि आदि सिद्धे अरे क्रिया और तो सिद्ध महेश्वर अरे ये उस आदि में ऑलरेडी विद्यमान है।, है वो एक स्पंदन है वो एक स्पंद है उसका उसमें एक उल्लास है उल्लास जो है वो सर्व उसमें अजरात्मा उसमें कहते हैं कि जो जरा भी बुद्धिमान आदमी है वो ऐसे उस ईश्वर परम शिव का उसको सिद्ध करने में या निषेध करने की चेष्टा क्यों करेगा जो है, वो कोई भी आदमी उसमें नहीं कर सकता है उसको सिद्ध करने की मेरे सिद्ध करने के ऊपर वो परम शिव की शिवता निर्भर नहीं करती है कि मैं करूंगा क्योंकि ये नई न्यायिकों में ऐसा एक है न, <laughs> कथा शायद कुसुमांजलि के लेखक जो आचार्य उदयन संभवत है संभवतः उसमें भगवान के गए आगे प्रणाम करने तो कहा कि आ, 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 मेरे सामने प्रकट होना है तो प्रकट हो ये। नहीं तो प्राप्त तू बौद्ध संघर्ष मददीना तस्थिति तो नहीं तो जब बौद्ध लोग आपका खंडन करेंगे तो मेरे तर्कों के अधीन आपकी स्मृति होगी इतना उनका आत्मविश्वास था उदयनाचार्य तो 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 वो कहते हैं नहीं कोई मेरी सिद्धियों के ऊपर मेरे साधन करने पर परम शिवता मेरे तर्कों के ऊपर वो आश्रित नहीं है परम शिव उनका अस्तित्व तो क्रिया में ज्ञान में हर वक्त आभाषित हो रहा है वो प्रकाश उदय हो रहा है सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है कारण क्या है किंतु मोह वशादस्मिन दस्मिन लेकिन मोह के कारण ज्ञात होने पर भी वो अज्ञात से अलक्ष्य से लग रहे हैं मैं शिवता मेरे भीतर है पर मैं उस शिवता का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं मुझे कहानियां लोग सुना देते हैं मुझे और कथाएं सुना देते हैं उपदेश आ जाएंगे बड़े बड़े बहुत सारी पुस्तकें लिख देंगे लोग लिख देंगे बड़ा बड़ा कुछ कर देंगे लेकिन ये कोई प्रश्न पूछने नहीं आएगा कि कोहम कस्तम आचार्य शंकर ने पूछा कस्तम तो तोटकाचार्य जो थे धड़ाधड़ बोलने लगे वो गूंगा था बच्चा कहते मां ने ला करके खड़ा कर दिया सिद्ध पुरुष के आगे जाओ तो पूछा उसको कस्तुम तो उसने त्वम का उत्तर देना तो शुरू किया उसके भीतर की कुंडलनी जागृत हो गई और उसने मैं ब्रह्म हूं मैं चैतन्य हूं मैं ही ये सब कुछ हूँ चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो ऐसी स्थिति आ गई तो वो वहां पर वो कहते हैं कि ये जो था कि उस को हम मैं कौन ऐसा मुझे मेरे भीतर प्रश्न कभी उठता नहीं है और ना इस प्रश्न को उठाने में कोई भी लोग रुचि रखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठे आचार्य लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण स्वरूप जी जिनसे मेरा एक बार साक्षात्कार हुआ 85 में 84 85 के आसपास मैं उनसे मिला और बहुत विद्वानों का संकट था उन्होंने निमंत्रित किया था लोगों को और उसमें कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किए प्रश्न में एक प्रश्न ये भी था कि न्याय का तर्क शास्त्र का और इसका और उसमें आ, क्यों नहीं है? आप उसको प्रमोट करते अपने आश्रम के अंदर ये न्याय आदि दर्शनों की प्रमोट करने की आप उसको अग्रसर करने की व्यवस्था करें तो मुझे स्मरण है अभी भी कि भगवत गीता में से उन्होंने एक श्लोक मात्र पढ़ाक बुद्धिर्तित तदा घंता से निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत क्या गजब का वो श्लोक पढ़ा यदा ते मोहकलिलम तो उन्होंने आचार्य को कहा कि ये तुम्हारा मोह कलिल जो है ये जो मोह का कीचड़ है मोह कलिनम बुद्धिर्तिष्य थी जब तुम्हारा ये मोह कलिल बुद्धि तुम्हारी से बाहर कीचड़ से आएगी, तदा घनता से निर्वेदम श्रोतव्य जो तुम्हें आगे सुनना चाहिए और जो आप पहले सुन चुके हो उसमें तुम्हें निर्वेद हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा नया द्वार खुलेगा नया द्वार वो चेतना का द्वार खोलेगा वो केवल मात्र बाहर बौद्धिक विलास में ही सारी नहीं रह जाएगी। का मतलब विलास नहीं है। विलास में मैंने पहले जैसे कहा कि बुद्धि जो है वो अपने आप में श्रेष्ठ है लेकिन अहंकारानुसारिणी होने के कारण बुद्धि जो है वो गलत को सही सही को गलत करने में लगी रहती है इसलिए वहां पर ये लोग जो थे जो उससे ये तो बुद्धि पर पारंग है जो इससे परे चले गए थे तो ये उसमें भाव इनका भाव साधना के माध्यम से भाव साधना के माध्यम से जिस तत्व को इन्होंने स्पर्श करने का प्रयास किया उसमें कोई नाम ख्याति किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं थी वो शिवता की जब बात करते हैं उत्पल तो वो जयंती वो प्रारंभ में जो है भक्ति के रस में डूबे हुए वो जो लोग हैं ऐसे जो वो जयंती सर्वोत्कर्षण वर्तन थे तो वो वहां पर जो भाव के माध्यम से शिवता के अंदर अनुप्रवेश करते हैं भक्ति के माध्यम से जब अनुप्रवेश करते हैं तो वहां कहते हैं कि अद्वैत में भी द्वैत बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो द्वैत भी द्वैत जो है वो हमारे अद्वैत को खंडित नहीं करता परेशान नहीं करता आपके यहाँ पर अद्वैत को द्वैत जो है वो परेशान करता हमारे यहाँ पर द्वैत जो है वो द्वैतम मोहाय बोधा प्राक शिवता के अनुभव से पहले द्वैत जो है वो परेशान करने वाला होता है द्वैतम बोधाय है प्राप्त बोधे मनीषया लेकिन बोध हो जाने पर शिवता का बोध हो जाने पर हम स्वयं ही अपने भीतर से गुरु शिष्य पद अस्तित्व भगवान शंकर स्वयं ही अपने भीतर से शक्ति को प्रकट करके कहते हैं गुरु शिष्य पद अस्तित्व तंत्र दोनों का संवाद जो है वो तंत्र बनता है तो संवाद करने के लिए आप कल्पना करके देखिए अपने आस पास की परिस्थिति में देखिए मैं देख रहा था काश्मीर शैव शास्त्र के उस उल्लास को देख रहा था पंडित रविशंकर वो राग जोग बजा रहे थे सितार के ऊपर वहां न कोई वर्ण था न शब्द था और साथ में तबला अला रखा बजा रहे थे जम्मू के थे अब अला रखा था इसी जमाने में वो भी तबला में अद्वितीय माने जाते थे वो अब दोनों ही आपस में वो बजा रहे हैं और उस बजाने में कोई वर्ण नहीं है कोई शब्द नहीं है क्योंकि शब्द सामान्यतः क्या क्या करता है शब्द विकल्प वृत्ति को जन्म देता है जब हम बहुत कविता के चर्चा करने लगते हैं तो कविता उस स्तर की कविताएं भी आप देख रहे हैं शब्दों को लोक स्तर के ऊपर बहुत निम्न स्तर के ऊपर भी भाषा का प्रयोग होता है लेकिन वहां भाषा नहीं थी वहां वो भाषा नहीं थी केवल मात्र और वो दोनों ही लोग बिल्कुल अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे थे लेकिन दोनों का जो चैतन्य था मुझे एक होता हुआ जैसे दिखाई देने लगा थोड़ी देर के बाद एक दूसरा एक दूसरे में अनुप्रवेश जैसे करता है और दोनों उसमें उल्लसित हो रहे हैं एक दूसरे के उसमें अनुकरण करने में अनुसरण करने में वो स्वयं ही एक ऐसी लीला बन रही है मान लीजिए तो उसमें शब्द अपेक्षित नहीं केवल नादानुसंधान नमोस्तुभ्यम नादानुसार एक नाद चल रहा है और ये नाद तस्मान नादात्मक जगत ये नाद और बिंदु का खेल जो है ये भी काश्मीर शैव शास्त्र का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका उसमें विशेष रूप से काश्मीर शैविस्म ने जो एक सामरस्य स्थापित किया है वो सामरस्य केवल ये सामरस्य जिसको मैं देखता हूं वो मुझे ऐसे लगता है कि ज्ञान और भक्ति का सामरस्य है ऐसी भक्ति भक्ति नहीं है कश्मीर काश्मीर में जो ज्ञानात्मिका नहीं है और ऐसा ज्ञान ज्ञान भी नहीं है जो भक्ति रहित है, जिसमें भक्ति नहीं है इसलिए भक्ति और ज्ञान का जो सामरस्य है वो सामरसी भाव कलाओं के माध्यम में इसी कारण से मुझे ध्यान में आया कि अभिनव गुप्त जो थे वो इतने बड़े सिद्ध थे उनको वो नाट्य शास्त्र के ऊपर अभिनव भारती लिखने की क्या जरूरत पड़ी क्या उस नाट्यशास्त्र के अंदर अभिनव गुप्त को कुछ करना था ध्वनियालोक की वृत्ति लिखने की अपेक्षा क्यों पड़ गई क्या करना था काव्य काव्य में जो ध्वनित होता है जो ध्वनित होता है वो उस तरह से वो शब्द नहीं होता वहां पर वो पर शब्द होता है वो अपर शब्द नहीं होता है तो पर शब्द को छूने के लिए पर शब्द का स्पर्श करने के लिए वो कलाओं की भी वहां पर कलाओं को काश्मीर शैव शास्त्र ने पूरी तरह से संपन्न किया पूरी तरह से भार इसलिए आचार्य उत्पल जो है वो जब अपनी स्तोत्रावली के अंदर ये श्रोतावली नहीं स्तोत्रावली है वो स्तोत्रावली के अंदर जहां कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं हे शिव शतशक किलते ऐसे सैकड़ों लोग हैं शतशक किलते तबा ये सैकड़ों लोग हैं जो तुम्हारा अनुभव से भगवन ये स्वयं नहीं बचाक्षुषा जो अपनी इस, इसी आंखों से इन्हीं आंखों से उसके लिए किसी तीसरी आंख की कल्पना करने की जरूरत नहीं है ये स्वेने भी चक्षुषा इसी इसी आंख से अपनी हालिक दृष्टि चरंती एक हल चलाने वाला जो कॉमन मैन है हालिक जो है हल चलाने वाला उस हल हालिक की तरह चलते फिरते भी वो तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार करने लगती है हालिक दृष्टि आचरण वो हालिक दृष्टि से उस दृष्टि से सामान्य लोग भी चलने लगते वो परिपश्यं भवत बपुस्त सदाग्रे वो हमेशा तुम्हारे रूप को जगह जगह पर यत्र-यत्र जाती, शिवम तत्व चिन्तेत, चलित्वा यासी कुत्र सर्वम शिव यथा ये सभी शिव है, है तो उसमें उसके लिए ये सारा भक्ति के अंदर उस पराभक्ति के अंदर इसलिए भक्ति की जब बात वो करते हैं तो उस समय वो बात करते तंत्रालोक भी आपका उसका समर्थन करता है तो वो बात करता है कि ये भक्ति रे भक्ति क्या है ये प्रथमम चिन्हम भक्ति जो है ये शक्ति पात का प्रथम चिन्ह है अगर किसी में भक्ति का अवतरण हो गया तो समझो कि शिव ने उसको शिवता उसकी जागृत शिवता का आलोक आना ये उल्लास जो आता है हमारे में हम हैं ये हमें पता है लेकिन इस पते में कोई रस नहीं है कलाओं के अंदर कलाओं की व्याख्या इसलिए शैविज्म के अंदर जो कलाओं की व्याख्या जब कला के बारे में चर्चा होती है तो उसमें हम कहते हैं संभोगे ने विश्रांति सा कला न कला मता संभोगे यश विश्रांति सा कला न कला मता वो कला कला नहीं लिए थे पर आत्मा सा परा कला। परमानंद के अंदर लीन हो जाता परम आनंद कला कहा जाता है वो सा परा कला की उस तलाश में जो काश्मीरी शैव लोग जो थे वहां घूम रहे थे वहां पर उत्पल के माने कमल है कश्मीर की लेक्स के अंदर एक कमल खिला उत्पल और उत्पल के बीच में से त ध्वनि को जरा सा खींच ले तो बन जाएगी शिला उपल बन जाएगा तो उत्पल और उत्पल जो है सृष्टि कमल वो सृजन का कमल है और वो सृजन का कमल जिसके बारे में महाभारत का प्रश्न उठाते हैं कि ये कमल पहले पैदा हुआ कि ब्रह्मा पहले पैदा हुए तो कहा पहले कमल हुआ ब्रह्मा बाद में आए तो ये काश्मीर शाम का जो कमल खिला है सोमानंद की भूमि पर इस कमल ने भक्ति का स्तोत्रावली का क्या मुकाबला है स्तोत्रावली के आपप्यो को जह, जहां जहां भी हम देखते हैं उसमें दर्शन दर्शन में भक्ति तो उसमें जो भक्ति की उनके स्तोत्र हैं स्वर सखिल आत्मना स्फुर हे शिव आत्मना सखिल आत्मा से जब तुम्हारा आत्म स्पुरन करता है तो तुम्हारे स्पुरन से क्या हो जाता है स्फार शब्द को जरा ध्यान से देखिए ये क्रिया का प्रयोग आने दर्शन नहीं करते हैं स्फार का अर्थ विस्तार 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 लहर के पीछे लहर लहर के पीछे लहर विस्तार एक सौ अठारह की ब्रह्मांड रचना होती चली जाती है आत्मना स्फुर जब तुम स्फुर लगते हो अपनी उस चेतना से अपनी इच्छा से जब अपनी ज्ञान से स्फुरन करने लगते हो तब उस भार से उस स्फुर से क्या होने लगता है उस स्वर्ण से स्वार्यखिल ये पूरे का पूरा विस्तार ब्रह्मांडों का जो है वो अग्रसर होने लगता है और विश्व मामृष सिंह रूप मामृषण और जब तुम रूप का आमर्श करते हो आमृषण रूप का जब आमृषण जब कोई आकार का तुम ध्यान करने लगते हो तो विश्वम तुझे तो पूरा विश्व ये देशक्रम और काल क्रम दोनों ही इसमें आ गए काल क्रम और देश क्रम दोनों ही इसमें आ गए स्फुर के अंदर ही वो शक्ति जो है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्फुर जो है उससे क्या हो रहा है विश्व महामृष तो विश्व का स्फुर होने लगता है जब रूप महामृषण रूप का आमर्श करते हो तो विश्व बन जाता है रूप विश्व महामृष और तुम्हारा यह स्वार कितना आगे जाता है किंतु लेकिन जब तुम अपने स्वरस में जब अपने आप में लीन होकर के चले जाते हो तब कहते हैं समुल भाव मंडलम तो समस्त भाव मंडल समुल्लसित होने लगता है यद स्वयं निज रसेन घूर्ण से जब तुम अपने रस से अपने अन, अपने स्वरसता के अंदर जब चले जाते हो बाहर की ओर जब करते हो इस पद को थोड़ा सा स्पष्ट रूप में देखें इसका प्रत्येक श्लोक जो है उसका एक आभा मंडल है उस आभा मंडल को अनुभव करके देखिए आप तो आपको लगेगा आत्मना स्फुरन आत्मना स्फुर अपने आत्म से जब स्फुर लगते हो तो अखिलम तो अखिल को अखिल जितना भी जो कुछ है अखिल वो सारा स्मरण करने लगता है वो बनने लगता है वो बन जाता है और विश्व माम रूप माम और रूप का जब आमर्श करते हो तो विश्व का आमर्श हो जाता है आमर्शन हो जाता है विश्व का सृजन हो जाता है लेकिन तुम ज्यादा निज रसीन घूर्ण से लेकिन जब तुम अपने सेल्फ में तल्लीन हो जाते हो जो तुम अपनी स्वरस्ता में जाते हो ये कलाओं में वादक जो हैं ये अपने स्वरथा में जाते हैं वो जब बात ये करते हैं तो यही करते हैं ये कैसे समझ में आए स्वरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कैसे कोई पावे राग रागिनी के सुर सुर में हरिध रूप दिखाया वो राग रागिनी के सुर में ये स्वर क्या है सरगम जो है जिस स्वर के अंदर मुझे ध्यान आता कि इसी कारण से संभव क्या ऐसा रहा कि आचार्य अभिनव गुप्त के पास आपके चित्र में वीणा है या नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन वीणा वादन तत्व थे वो। वीणा उनके पास वक्त रहती थी वीणा वादन के माध्यम से उनका जो शैव था वो वीणा वादन तत्व था इसलिए उन्होंने नाट्य शास्त्र के ऊपर अभिनव भारती लिखी लोक के अंदर उस व्यंजक ध्वनियों का इस प्रकार से समालोचन किया है उसका कारण स्वरसेन घूर्ण से क्योंकि ये कभी लोग भी अपने रस में जब घूर्णन करते हैं तो उनके सामने एक चित्र आ जाता है प्रसाद जब कामायनी के अंदर ईड़ा को देखते हैं तो ईड़ा को देखते हैं क्या है वह मलिन छवि सी ईड़ा को कहते हैं मलिन छवि सी ईडा रेखा जो ग्रस्त शशि लेखा ऐसी चंद्रमा चंद्रमा का प्रकाश तो है लेकिन राहु सी शशि लेखा जिस पर विषाद की विषरेखा ये बुद्धि जो लोक बुद्धि आम सामान्य ज्ञान हमारा जिसको हम ज्ञान क्या करके दौड़े फिरते हैं इसके ऊपर हमेशा विषाद की विषरेखा रहती है तो उस परा बुद्धि के अंदर उस परा ज्ञान शक्ति में जाने के लिए ये शैवाचार्यों ने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किए, उनमें का स्थान उनका जो परिचय उनका जो है जिसके अंदर वो कहते रसेन घूर्ण से ये घूर्णन क्या है घूर्ण शब्द का कभी ये घूर्णन ये कभी लोग शब्द कहीं ठीक से शब्द लग जाता है जब तब घूर्णन कमाल हो गई एक उल्लास अंदर से उठता है उसके पीछे वो कोई जबरदस्ती तारीफ करने के लिए नहीं होता वो कि हम बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए वो एक चेहरे पर उल्लास आता है हम देखते हैं कि हाँ वो एक स्वर अगर लग गया ठीक से स्वर लग गया तो क्या कमाल हो हमें स्वर्ग मिल गया हमें आज चरितार्थ हो गए हम कृतार्थ हो गए ये जो उल्लास है ये उल्लास परम शिवता के स्पर्श से ही आता है अन्यथा ये उल्लास नहीं जीवन में प्राप्त होता हम लोग इस उल्लास की उपेक्षा करते हैं हम ज्ञानों के पीछे घूमते हैं बौद्धिक ज्ञानों के पीछे जिसको पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान का विभाजन उस चक्र में मैं नहीं जाता विस्तार में लेकिन जो व्यावहारिक स्थिति है जिसके अंदर अभिनव अभिनव जिसके अंदर थे नाथ वेदिक क्षय के वेद के क्षय होने पर तुम अकेले भी दिखाई देते लेकिन हम तुम्हें मुझे ध्यान है कि ये राग कोई ठीक से बज रहा हो कहीं तो आप अकेले बैठकर भी सुन सकते हैं लेकिन अगर आप भीड़ में भी जा रहे हैं और वो राग का सुर आपको लग गया तो आप भी अगर उसने चेतना को पकड़ लिया तो आप भीड़ में भी घूर्णन कर बैठेंगे कि रुको मुझे मुझे रुकने दो तुम चलो निज रस है ना घूर्ण से वो जो तुम घूर्णन करते हो जब अपने रस में जब घूर्णन करते हो तो शैव लोग जो है वो घूर्णन जब ये कविता में कला में उसको कहते हैं वो वेद वेद्योदैसी कैसी भक्ति सुदर्शन द्वैत में भी हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं जब तुम हमें नजर आने लगते हो द्वैत में द्वैत में भी जब तुम नजर संक्षोभ वेद्य और वेदक की जब भीड़ क्षोभ होता है जब बड़ी डिस्टरबेंस हो रही होती है उसमें भी तुम सुदर्शन हमें उसी तरह से दिखाई देते हो नाथ वेद्य वे कथम हे नाथ, वेद वेदक का जब कुछ नहीं रहता है केवल वेदक तब भी हम तुम्हें अकेलेपन में भी देखते हैं लेकिन भीड़ में भी हम तुम्हें देखते हैं। ऐसा दर्शन आपको कहने वाला कोई अगर हो तो बताइए मुझे जो कहे कि हम भीड़ में भी तुम्हें देखना चाहते हैं तो ऐसा जो परम शिव है उस परम शिव की शिवता का आविष्कार जिन लोगों ने किया उनमें आचार्य उत्पल का नाम यही कारण था कि अभिनव जो है वो उनको अपना परमाचार्य परम गुरु के रूप में उनको एक्नोलेज करते हैं परम गुरु के रूप में क्योंकि गुरु परंपरा के अंदर है श्री गुरु परम गुरु परम गुरु ऐसे गुरु गुरु ऐसे तो उस गुरु क्रम के अंदर वो उन्हें आचार्य अपने गुप्त अपनी श्रद्धांजलि जो देते हैं तो वो उसे परम गुरु के रूप में उसको कहते हैं माँ गुरु को भी स्मरण करते हैं श्रीमान लक्ष्मण गुप्त दर्शित पथक श्री प्रत्यविज्ञाविधो क्योंकि लक्ष्मण जो थे उन्होंने उत्पल से ही प्राप्त किया था और लक्ष्मण ने जो प्राप्त किया था वो अभिनव के पास जो पहुंचा है और अभिनव ने परम गुरु के ग्रंथ के ऊपर ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका पर ये विमर्शनी विभृति विमर्शनी ये सारा भाष्य लिखा और एक-एक कारिका के ऊपर एक-एक पद के ऊपर ये उल्लास समावेश ऐसी जो शब्द हैं हम कहते हैं कि नहीं वो साहित्य आप जरा कल्पना करके देखिए कि वो साहित्य जो तंत्र राग में स्तोत्रों का साहित्य है आप कभी दुर्वासा का परशंभू महिमन स्तब सूत्र देख लीजिए ये बना भट्टारी का यानी तांबा सुंदरी स्तंभ मेमनस्तब देख लीजिए उनको आप काबिक की कोटी में रखेंगे कि दर्शन की कोटी में रखेंगे आप चक्कर में पड़ जाएंगे एक श्लोक अगर मैं पढ़ दूंगा तो आपको लगेगा कि वो ये इसको कौन सी काव्य की कोटी में हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो उत्तम मध्यम अधम तीन कोटिया बनाई वे भाव पक्ष कला पक्ष और शैली पक्ष और भाषा पक्ष इस ढंग से हमने समझा था लेकिन यहाँ ये तो कुछ बात बन नहीं रही है यहाँ पर क्योंकि ये उसमें स्वरसता के अंदर वो कहते हैं कि प्रत्येक जो जीव है प्रत्येक जो शिव है उसका स्वरसता उसके अंदर निहित है इस स्वरसता का उद्घाटन जिससे किया जाए वो कौन करेगा वो आपकी भाव साधना विचार साधना और भाव साधना का जब सामरस्य होगा तो आपके भीतर का वो उद्घाटन खुल जाएगा भाव साधना और भाव साधना पर स्थाई भाव संचारी भावों को नहीं लेना यह भाव साधना है समावेश तल्ले, लीनता की भावना है वो दो का सामरस्य जो है वो जो सामरस्य है वो सामरस्य किसका भक्ति का और ज्ञान का ज्ञान का और कर्म का कर्म क्रिया और ज्ञान का सामरस्य शिवता में है Osionfish. इसलिए वो कहते हैं ये सारा जो स्पार है क्रिया रेव क्रियाशक्तरे क्रिया शक्ति का ही सारा स्फार है सारा विश्व जो दिखाई दे रहा है ये सब क्रिया शक्ति का ही स्पार है इसलिए इस स्फार को जब हम देखते हैं कहीं दूसरी जगह आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं आनंद शक्ति है ये सारा स्वार आनंद शक्ति का ही अब ये स्फार शब्द क्या है इसको जरा आप सोचें ये स्वार क्या होता है कि जब पानी की लहरों से एक झाग सी बनती है और वो झाग फूलती चली जाती फूलती चली जाती फैलती चली जाती बनती ही चली जाती है जब वो स्वार क्रिया होती है लेकिन उस स्वार को पद को अपने दर्शन में साहित्य में प्रयोग करना दर्शन में प्रयोग करते हुए लोगों को संकोच होने लगता है कि अरे अरे ये तो कविता की बात हाँ हमारे दो विद्वानों का मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि नहीं ये कभी लोग जो हैं ये कपया केवल कपया ये तो कभी कुछ नहीं है ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ की कल्पना करते हैं लेकिन उसको वो कहते नहीं ये हृदय का संभार है एक ही स्थान है जहां पर तत्व तो उपनिषदों का मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए संघार करता हूं कि समस्त ये जो समरसीकरण है ये ज्ञान का भक्ति का जो समरसीकरण है ये समरसीकरण कहा होता है ये बुद्धि में नहीं होता है हृदय में होता है हृदय को परिभाषित जब करते हैं तो क्या कहते हैं उसमें ये तो विषय निर्याति हृदय से ही विषय बाहर आते हैं बेटे के कान में मंत्र पढ़ते हुए हैं तो अंगा दंगा संभवसी हृदया आत्मा वही पुत्र नामासी नाम अंगादंगात संभवी हृदया हृदय से उत्पन्न होते हैं तो उसमें जो तो कहते हैं कि हृदयाद अधिजाय से जो जो हृदय है ये बाहर की ओर इसका विस्तार है हृदय जो है इसका चैतन्य जो है हृदय केंद्र है तो तो निर्याति विषय है। प्रलिय थे और जिसमें वो प्रलीन भी हो जाता है जहां से वो जाता है बाहर भी जाता है और जस में आकर प्रलीन भी हो जाता है हृदय हम याद मनसस्थिति निबंधन जिनका मन नहीं टिकता हो उनको हृदय में प्रवेश करना चाहिए शैवों का ये क्रम है हृदयम तद्विदानिया हृदय का लक्षण क्या किया या तो विषय निर्याति यस्मिन् च एव प्रलीयते जिसमें से विषय जाता है और जिसमें आकर के लीन हो जाता है हृदयम तद्विदानिया मनस स्थिति कारण वही मन की स्थिति का कारण बनता है और मन ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है इसलिए मन को स्थित करने के लिए श्रद्धा श्रद्धा का आना आस्था का आना ज्ञान आस्था वो श्रद्धा का मतलब हम लोग कहते हैं तो वो श्रद्धा का अर्थ कुछ और समझ बैठते हैं वो नचिकेता की श्रद्धा को नहीं समझते हैं कि जहां पर कठोपनिषद कहता है कि तम ही कुमारम संतम श्रद्धा अभिवेश वो बच्चा ही था अभी लेकिन उसमें श्रद्धा का प्रवेश हुआ तो श्रद्धा का प्रवेश होने से क्या किया उसने पिता को चैलेंज अथॉरिटी को कहा कि नहीं ये आप गऊे जो दे रहे हैं गो है ये ठीक नहीं है ये गलत श्रद्धा ऐसी होती है क्या आम आदमी श्रद्धा के मन क्या समझता है श्रद्धा जो है वो अशुचिता से समझौता नहीं करती है वो अपना मार्ग टटोलती है अपना मार्ग ढूंढती है तो तम ही कुमारकुम ही संतम श्रद्धा आविवेश श्रद्धा का जब आवेश होता है वो तत्व ज्ञान की ओर श्रद्धा जाती है श्रद्धा कभी रुकती नहीं है कामायनी की श्रद्धा भी रुकी नहीं है कभी ध्यान दिया किसी ने तो श्रद्धा रुकती नहीं है उस पर्वत शिखर की ओर उसको ले जाती है मनु ये देखो ये कर्मलोक है धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा इस कर्मलोक को देखो ये उसमें ज्ञान लोक को देखो ये उसमें इच्छा को देखो तो श्रद्धा रुकती नहीं है इसलिए श्रद्धा को